Hi everyone, I hope you all guys are doing well. So today's video is about how to share your photos or how to transfer your photos in iOS to iOS or Android to Android or iOS to Android, Android to iOS. So basically क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कतें होती हैं, हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ जाती है जब हमें अपना फ़ोन चेंज करना पड़ता है, फ़ोटोज़ का सब कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ता है. सो इसके लिए एक नया सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. मैं ये पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो iOS और Android यूज़र्स के लिए, दोनों के लिए है जो भी अपनी फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और जिन्होंने भी अपना फ़ोन चेंज किया है बट वो अपनी फ़ोटोज़ उसमें नहीं ले पा रहे हैं. सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास iOS है या फिर आपके पास Android है तो आपके पास फ़ोटोज़ या फिर गैलरी का ऑप्शन होगा. आपको क्या करना है, एक सेकेंड ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है गूगल फ़ोटोज़. गूगल फ़ोटोज़ को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसको कर देना है ओपन. देन आपका यहाँ पे आईडी, जिस आईडी से आप अपना फ़ोटोज़ का बैकअप लेना चाहते हो, जी ऐसा, आप अपनी सारी फ़ोटोज़ का बैकअप ले लो. सो दैट क्या होगा, आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अपनी आईडी से ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है. सो आप जैसा कि देख रहे हैं मेरी बैकअप हो रही हैं फ़ोटोज़, और 56 और 55 ऐसे मेरी फ़ोटोज़ अभी बची हैं बस बैकअप के लिए. और एक्चुअल में मैं अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखाऊं अपने ऐप में तो आप देख सकते हैं 649 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो कि अब मेरी गैलरी में फ़ोटो गूगल फ़ोटोज़ में डाउनलोड हो रही हैं और ट्रांसफ़र हो रही हैं. सो आपको क्या करना है, जैसे कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका सारा बैकअप हो जाएगा, आप इसी आईडी को दूसरे फ़ोन में, जिस फ़ोन में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस फ़ोन में खोल लें. जो भी आपने नया फ़ोन लिया हो तो आप उसमें अपनी गूगल फ़ोटोज़ ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपनी आईडी खोल लें. तो आप देखोगे जितनी भी आपकी फ़ोटोज़ आपने बैकअप लिया होगा वो आपकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी. और iCloud से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये गूगल फ़ोटोज़ का, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप Android में भी डाल सकते हो फ़ोटोज़, iOS में भी ये ऑप्शन रख सकते हो अपना गूगल फ़ोटोज़ का. और iOS में तो सबसे बड़ी बात है कि जो फ़ोटोज़ का स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, अभी हमारा जो फ़ोटोज़ का ऑप्शन है देख सकते हैं आप कितना, 12.75 GB हमारी फ़ोटोज़ ही ले रही हैं. सो आप अगर गूगल फ़ोटोज़ में ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी.